राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एंड ही इज नो लॉन्गर एन एमपी बिकॉज सूरत के कोर्ट ने गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। ये तो आप जानते होंगे, बट डू यू नो कि किस तरह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? लेट्स टेक अ लुक। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी हाउस के एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और उसके रीजंस हो सकते हैं दैट ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी अपने ऑफिस के अलावा भी वो किसी फाइनेंशियल गेन के लिए काम करता है, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड और ऐसा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया हो, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी वो दिवालिया हो साथ ही उसने डेट चुकाया ना हो, अगर वो किसी और देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है, या फिर अगर वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई होता है। राहुल गांधी के केस में भी ये लास्ट पॉइंट अप्लाई होता है क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन रिलाई करता है ऑन सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, जो डील करता है कि किन केसेस में किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें स्पेसिफिक ऑफेंसेस मेंशन है जिनकी वजह से किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन डिफेमेशन को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। वहीं सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि अगर किसी एमपी एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसे डेट ऑफ कन्विक्शन से लेकर अगले 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और राहुल गांधी को भी इसी सेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई किया गया है। 2013 से पहले सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 भी था जो कहता था कि डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन के 3 महीने बाद इफेक्ट में आएगा सो दैट एमपी कैन फाइल एन अपील ड्यूरिंग दिस पीरियड, पर 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और इसी वजह से अब किसी एमपी या एमएलए को इमीडिएट इफेक्ट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जो कि राहुल गांधी के साथ भी किया गया है।